हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिलिप्स के न्यूली लॉन्च्ड 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की वीडियो। दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है फिलिप्स TAV5257 एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 4600 रुपीज़। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। फिलिप्स एंड FND के स्पीकर्स पीसी मीडिया पर बेस्ट प्राइजेस पे आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको डिजाइन डिटेल में दिखाएंगे, साथ में दोस्तों साउंड टेस्ट भी करेंगे। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा एंड ये चीज भी देखेंगे दोस्तों, अंडर 5000 में ये स्पीकर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, परचेस करने लायक है या नहीं है। जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है हम कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं करते हैं। सो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम आपको बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए, हमें RC टू 3.5 mm केबल मिल जाती है। इस केबल से दोस्तों आप अपने स्पीकर को PC, TV, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ऑक्स केबल ये है। हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। देखिए, हम रिमोट कंट्रोल से अपने सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। फिट एंड फिनिश हमें डिसेंट मिल जाती है। बाकी जब डेमो देंगे तो रिमोट कंट्रोल से पूरे सिस्टम को ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको। अब दोस्तों हम आपको सैटेलाइट स्पीकर डिटेल में दिखाते हैं। तो सर, कैमरे को पास लाकर इनका डिज़ाइन डिटेल में दिखा दीजिए। देखिए, सामने की तरफ से हमें ग्रिल मिल जाती है एंड सामने की तरफ से हमें 3-3 इंच के इनपुट ड्राइवर मिल जाते हैं। दोस्तों, जो पावर आउटपुट है वो हमें 11 वाट्स की देखने को मिलती है। सैटेलाइट स्पीकर्स को हम वॉल पे माउंट कर पाएंगे, देखिए ऑप्शन हमें मिल जाता है। फिट एंड फिनिश सैटेलाइट स्पीकर की बढ़िया हमें मिल जाती है। नीचे से देखिए, हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई मिलती है। आप चाहे तो इन्हें टेबल पे रख सकते हैं या वॉल पे माउंट कर सकते हैं, तो सही है। दोस्तों, अब हम आपको इसके सबवूफर को भी डिटेल में दिखा देते हैं। सबवूफर इसका मेन यूनिट है। देखिए, टॉप पर हमें फिलिप्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टेक्सचर दे रखा है, बढ़िया लग रहा है। सामने की तरफ से देखिए, मेटल की ग्रिल मिल जाती है एंड सामने की तरफ से दोस्तों हमें 5 इंच का बेस ड्राइवर मिल जाता है, जो कि है 28 वॉट्स का। यहाँ पर देखिए, हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है जहाँ से एयर पास होगी। इसी साइड पर देखिए, हमें बटन्स मिल जाते हैं। मोड का बटन मिलता है, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन्स मिलते हैं, साथ में प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी बटन्स मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बैक साइड की बात करें तो हमें इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट मिल जाते हैं, FM एंटीना केबल मिल जाती है, साथ में पावर ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। दोस्तों, फिट एंड फिनिश सबवूफर की भी हमें बढ़िया मिल जाती है। MDF का कैबिनेट मिलता है एंड इसी साइड पर देखिए, हमें 2 पोर्ट्स और मिल जाते हैं, USB पोर्ट एंड SD कार्ड स्लॉट। नीचे से देखिए, हमें रबर पैडिंग मिल जाती है टेबल पे प्लेस करने के लिए अच्छे से। दोस्तों, हमने सैटेलाइट स्पीकर सबवूफर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसे ऑन करते हैं एंड आपको डेमो देते हैं। देखिए यार, सबसे प्लस पॉइंट है ना, ये फिलिप्स का है एंड अंडर 5000 में हमें डिस्प्ले मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे बढ़िया लगा है। सो इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसे ऑन करा है, ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मोड में चले गया है। सबसे पहले हम इसके मोड्स को चेंज करके देखते हैं। ये ब्लूटूथ मोड है, ये USB मोड है, ये SD कार्ड मोड है, ये FM मोड था। अब हमने इसे ऑक्स मोड में रख लिया है। इसकी टॉप वॉल्यूम भी देख लेते हैं, 30 तक की मैक्स वॉल्यूम हमें मिल जाती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज है यहाँ पर, हम बेस एंड ट्रेबल दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम ट्रेबल को देख लेते हैं, इसे हम -12 से +12 तक एडजस्ट कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों, हम बेस को भी -12 से +12 तक एडजस्ट कर पाएंगे एंड देखिए, हमें इक्वलाइजर का बटन भी मिल जाता है, यानी कि इस पर हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर भी मिल जाता है। तो देख लेते हैं, बहुत सारे बैंड्स हमें मिलते हैं, देख लीजिए आप। जब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे तो इक्वलाइजर को एडजस्ट करके भी आपको दिखाएंगे।
सही है, मतलब यार कम प्राइस पे सारी चीज़ें हमें इस पर देखने को मिल जाती है। अभी तक तो हमें कुछ भी ड्रॉबैक देखने को इस पर नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑडियो टेस्ट कराते हैं। सो देखिए, हमने अपना फोन जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों यार, हमने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो ऑडियो टेस्ट आपको कराया। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस करा ना, अभी इसे जस्ट सुनी रहे हैं हम भी, इस पर यार एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी है, साउंड क्रैक नहीं कर रहा है एंड अच्छा खासा लाउडनेस फील हो रही है इस मॉडल पर। ये चीज़ मुझे बढ़िया लग रही है। साथ में दोस्तों क्लियरिटी मुझे बढ़िया लग रही है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो क्लियरिटी में तो काम करा है। फिलिप्स का है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्लियरिटी आपको अच्छी मिलेगी। साथ में बताई दिया मैंने, लाउडनेस भी बढ़िया लग रही है। बट दोस्त यार बेस क्वालिटी मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी क्या है कि जस्ट हमने इसे ओपन करा है तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा इसे हमें लंबा सुनना पड़ेगा, लंबा टेस्ट करना पड़ेगा, बर्निंग पीरियड इसका कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा कि यार बेस कितना बढ़िया है। सो जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा, डिटेल ऑडियो टेस्ट करेंगे एंड आपको अपना फाइनल आंसर बता देंगे कि यार बेस क्वालिटी कैसी है या ऑडियो क्वालिटी कैसी है, हर एक चीज़ आपको डिटेल पे बता देंगे। बाकी दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये बढ़िया लगा है। अगर आपको फिलिप्स जैसे ब्रांड का 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर परचेस करना है आज की डेट में, जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, डिस्प्ले मिल जाता है, बेस एंड ट्रेबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में स्पीकर की फिट एंड फिनिश बढ़िया मिल जाती है, रिलायबिलिटी भी आप सबको पता है फिलिप्स की काफ़ी बढ़िया होती है एंड आफ्टर सेल सर्विस में भी फिलिप्स काफ़ी बढ़िया रहता है। सो आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको परचेस करना होगा तो ज़रूर से परचेस कर लीजिएगा। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी और डिटेल में सुननी होगी तो सेकेंड पार्ट का वेट कर लीजिएगा, डिटेल ऑडियो टेस्ट आ जाएगा एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यार ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।